चलिए आज बात करते हैं बॉबी देओल के इंटीमेट और बोल्ड सीन्स की। आपको बताती हूँ कि कैसे उन्होंने कमबैक किया था अपने बोल्ड और इंटीमेट सीन से, और उनको देखकर भाई सनी देओल और पिता धर्मेंद्र रह गए थे हैरान। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने कि कमबैक किया था बॉबी देओल ने इंटीमेट और बोल्ड सीन्स के साथ। एक समय ऐसा भी आया था जब ये फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो गए थे। काम ना मिल पाने के कारण काफी उदास और मायूस भी थे। इनकी मायूसी को दूर कर बॉलीवुड में कमबैक करवाया था सलमान खान ने। बॉबी ने प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम 2 से ऐसा कमबैक किया कि धर्मेंद्र भी रह गए थे हैरान, और उनका कहना था गलतियों को सुधार कर जो आगे बढ़ता है वही जीतता है। और उन्होंने इंटरव्यू में काफी तारीफ भी की थी बॉबी की। उनका कहना था कि काफी मेहनत की है बॉबी ने इस फिल्म के लिए, और वो कामयाब भी रहा। बॉबी के बोल्ड सीन्स के साथ कमबैक के बाद धर्मेंद्र ही नहीं सनी भी रह गए थे हैरान। जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम 2 में बोल्डनेस और इंटीमेट सीन्स की भरमार है। इस फिल्म में बॉबी देओल ने भोगी और विलासी बाबा की भूमिका निभाई थी, और इस रोल में वो काफी फिट भी नजर आ रहे थे। और बॉबी का कहना था कि इन सीन्स को करके मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर वाले सीन्स मैं अब करना चाहता हूँ। बॉबी ने इस फिल्म में काफी ज्यादा मेहनत की थी, उसका नतीजा सबको नजर भी आया। बॉबी देओल की एक्टिंग इस वेब सीरीज में खूब सराही गई। त्रिदा संग उनके इंटीमेट सीन्स काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे। उनकी तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रमोशन में बॉबी देओल की तारीफ धर्मेंद्र ने खूब की थी। तो क्या आप भी करते हैं उनकी तारीफ? ऐसे लगते हैं आपको बॉबी देओल? इन सीन्स के बारे में आपका क्या कहना है हमें जरूर बता सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड और बॉलीवुड की और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अपने इस चैनल को जरूर फॉलो करें।